तो भाई DTU में जो फेस्ट वगैरह होते हैं यार, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, है ना। बड़े ही उम्दा फेस्ट होते हैं। तो मेरे प्यारे NSUT और DTU वालों, अगर तुम्हारे फेस्ट में DU की लड़कियां ना आए ना, तो तुम्हारे फेस्ट की मतलब कोई औकात ही नहीं है। ABC CIC भाई DTU गया, मेरे फ्रेंड ने कहा भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया सी एक लेक है। लेकिन भाई जब मैंने जाके देखा, वो लेक नहीं है भाई, नाला है। नाला सर, ये तो टट्टी है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, अजय है, यू वॉच वांश गांधी। और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के तो यार आज का वीडियो हमारा होने वाला है CIC वर्सेस DTU, NSUT एंड जितने भी कॉलेजेस हैं। तो बेसिकली यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CIC कैसे डिफरेंट है बाकी सारी यूनिवर्सिटी से, एंड CIC में ऐसा क्या है जो मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, एंड यार प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग, कैंपस लाइफ, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अब यार CIC वैसे तो अभी नया नया ही आया है मार्केट में, लेकिन यार जो बाकी सारे कॉलेजेस हैं उनका काफ़ी तगड़ा नाम है पहले से ही। तो अब यार मेरे को पता है आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स को CIC के बारे में भी नहीं पता होगा, वीडियो देख लो अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें तो CIC एक मतलब छोटा सा चुन्ना मुन्ना कॉलेज है, मतलब यार स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। बीटेक की ऑलमोस्ट 40-50 स्टूडेंट्स एक बैच में है, तो मतलब चार बैचेस हुए तो अराउंड आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 170-180 स्टूडेंट्स। हाँ तो देवांश भाई, जैसे आपने बोला यार CIC में 170 स्टूडेंट्स है टोटल। यार एक बात बताऊँ, DTU में CS ब्रांच में अगर मैं बताऊँ तो यार 400 स्टूडेंट्स हैं, एंड अगर ECE की बात करूँ तो ECE में ही यार 170 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ओके तो आई थिंक यार DTU में जो बच्चे हैं वो इनटेक बहुत ज़्यादा है। अच्छा बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, मतलब कॉलेज में घुसा कैसे जाएगा। तो पहली चीज़ NSUT, DTU, IIIT दिल्ली, NITs, ठीक है, इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, इन सारे कॉलेजेस में यार JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, आपको पता ही है, ठीक है। एंड बात करते हैं IITs के बारे में, तो यार बताने की ज़रूरत नहीं है, JEE एडवांस में तगड़ा रैंक लाओ और भाई IIT में एडमिशन ले जाओ। अब CIC के बारे में बताओ यार देवांश। CIC की बात है कि इसका एक एग्जाम है, वो हमारी NTA यानी कि हमारे पोखरियाल जी की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाती है, और उसका नाम है DUET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके थ्रू आपको BTEC CIC का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और वो केवल एक ही ब्रांच के लिए है, दैट इज IT and MI। और उसके बेसिस पे यार आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक फर्दर काउंसलिंग होगी, उसमें एक मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका CIC में एडमिशन। बात हम हॉस्टल लाइफ की करें तो हॉस्टल लाइफ में मतलब बिल्कुल CIC इसमें किसी एंगल से स्टैंड भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत बच्चों को तो हॉस्टल मिल भी नहीं पाता, और हॉस्टल लाइफ तब होती है जब काफ़ी सारे। एंड वही बात रही कॉलेज लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ की, तो देखो यार डेलाइट्स को तो हॉस्टल नहीं मिलता, फिर भी जो DTU की हॉस्टल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ है वो सही में बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। अच्छा बात करते हैं बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एंड CIC के बारे में। तो यार CIC यार देखो ऐसे अभी नया कॉलेज है, एंड उसमें एक ही ब्रांच है, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कम होंगे ही। ओके एंड अगर यार हम बाकी IITs की बात करें, IIITs की बात करें, NSUT की बात करें, तो यार सब में बच्चे भर भर के हैं, एंड ऑब्वियसली बात है यार कॉलेज लाइफ भी अच्छी है क्योंकि वो थोड़े पुराने कॉलेजेस हैं। ओके एंड यार जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ बच्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए मौज मस्ती भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे CIC के भाई और बहनों, अब तक आपने देखा कि हमारा कॉलेज कितने पॉइंट से पीछे चल रहा है, लेकिन अब एकदम वो सडन पुश के साथ आगे आने वाला है, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं फीस के बारे में। तो फीस की बात आते ही भाई CIC उड़ पड़ता है एकदम, बिकॉज यहाँ पे यार पर सेमेस्टर फीस है ओनली 5000 ओनली। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें बाकी कॉलेजेस की, जैसे कि NSUT, DTU, IIIT, तो भाई इनकी फीस लाखों में होती है, लूट लेंगे पूरा तुम्हें, मतलब तुम्हारी BTEC यार 10-12 लाख के करीब पड़ेगी। और IIIT की बात करें तो यार वहाँ तो 20 लाख ही लग जाएंगे तुम्हारे, बिकॉज बहुत एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक टाइम होता था जब IITs की, NITs की, DTU, NSUT इनकी भी BTEC यार 70-70 हज़ार रुपये में ख़त्म हो जाती थी बिल्कुल, लेकिन यार पता नहीं महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मैं अपनी फीस की बात करूँ तो यार DTU में 1.5
6 लाख रुपीज शायद फर्स्ट ईयर की फीस है, एंड उसके बाद जो लास्ट ईयर की फीस है वो है यार 2,10,000। तो सही में CICR इस मामले में बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, ठीक है। 5,000 रुपये फीस यार, 5,000 कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो CIC इसमें क्लियर विनर है। अब यार एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब जैसे जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, मतलब यार जो स्टेट फंडेड बोल सकते हैं, जैसे DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, अब इनमें क्या सीन है यार, 85% सीट्स हैं वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, एंड बाकी 15% यार आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, ठीक है। मतलब अब इतना सा दिल्ली एंड उसके बाहर पूरा इंडिया, तो मतलब यार पूरी इंडिया वालों के लिए लगभग नहीं तो 15% सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए यार आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स को थोड़ा यार ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है कंपेयर टू दिल्ली कैंडिडेट्स। एंड वहीं बात करते हैं अगर CIC के बारे में, तो यार CIC में आप लोगों को कोई ऐसे दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाला सीन नहीं देखने को मिल जाता जैसे IITs में होता, आपका सेंट्रली फंडेड है सब कुछ, तो इसीलिए CIC में कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं। तो यार एज सच CIC में इस टाइप का कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है जैसे कि 85% रिजर्वेशन NSUT, IIIT और DTU में है, ऐसा कोई स्टेट टाइप का जो 85% वाला रिजर्वेशन फॉर दिल्लीइट्स, ऐसा कुछ CIC के केस में नहीं है बिकॉज इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि CIC ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। स्टार्टअप एंड रिसर्च कल्चर के बारे में, तो इसकी बात नो डाउट इसमें यार ये तीनों कॉलेज पीछे हैं, जिसमें CIC हो गया हमारा, NSUT हो गया, DTU, इसमें भाई IIIT दिल्ली काफ़ी मार्जिन से जीत जाता है बिकॉज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत बढ़िया हैं, उनकी बहुत हाई फंडिंग है इस चीज़ पर, प्लस वहाँ पे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर हम CIC को देंगे बिकॉज रिसर्च ओरिएंटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। एज आई टॉक्ड अबाउट DIC अर्लियर, तो DIC यार एक तरीके से पूरा स्टार्टअप हब है। बाकी अगर बात हम NSUT DTU की करें तो बहुत बुरा तो वहाँ पे भी नहीं होगा, और उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से हमें अजय भाई बताएंगे। अच्छा बात रही रिसर्च ऑप्शन की, तो रिसर्च ऑप्शन में यार देखो IIITs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, एंड जैसे देवांश भाई ने बताया यार CIC में भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। वहीं बात करते हैं यार अब प्रिसाइजली DTU NSUT के बारे में, तो देखो यार DTU NSUT में इतनी ज़्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। देखो करने वाले करते हैं जैसे बायोटेक इन्वायरमेंटल वाले, लेकिन यार अब जिनकी ब्रांच जैसे CS IT सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं यार एक अच्छी खासी प्यारी सी प्लेसमेंट लेना। तो इसलिए जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है वो IIITs में काफ़ी अच्छी है एंड CIC में भी अच्छी है। अच्छा अब जैसे आप लोग DTU NSUT IITs में हो, तो यार यहाँ पे क्या सीन है, आप लोग है ना टाइम भर भर के मिलता है ना। इसका मतलब क्या है यार, आप लोग अपने स्ट्रीम से अलग भी पैशन एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यार अब बहुत स्टूडेंट्स का एम होता है सिविल सर्विसेज निकालना, तो अगर यार जैसे IIITs की बात करें, तो IIIT में क्या सीन होता है, वहाँ पे यार टाइम बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोगों को जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है और कुछ करना है, तो यार IIITs फिर आई थिंक आप लोगों के लिए नहीं है। तो सिमिलरली यार देवांश भाई जैसे CIC का बताओ, मतलब CIC में अगर किसी को UPSC की प्रिपरेशन करनी है या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, तो क्या उसके लिए CIC बेटर रहेगा? तो यार अगर सेम बात अगर हम CIC के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो यहाँ पे भी यार काफ़ी यू विल गोना गेट इनफ फ्री टाइम, तो फ्री टाइम की कोई परवाह मत करना, बिल्कुल फ्री टाइम तुम्हें काफ़ी मिलेगा, और फ्री टाइम में यार स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ को अपना खोद खोद के निकालना। बाकी अगर बात UPSC की करें, तो UPSC के लिए भी आपको खूब टाइम मिलेगा, मुखर्जी नगर बगल में ही, और वो आपको पता ही है हब है बिल्कुल UPSC और SSC टाइप की प्रिपरेशन के लिए। तो फ्री टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप अपना सारी कॉलेज एक्टिविटीज़ के साथ अपना खूब सारा फ्री टाइम में बाकी सारी एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते। तो भाई अब सारी बात होगी, सारा ज्ञान हमने बांट दिया सारे कॉलेजेस का, लेकिन अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई प्लेसमेंट, भाई पैसे कैसे कमाएंगे, जो भाई 11वीं 12वीं से हम पूरी कॉलेज स्कूल लाइफ वो कर रहे हैं, जो मेन पर्पस है भाई पैसे कैसे कमाएंगे, तो उसकी बात करते हैं, यानी कि प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो अगर यार प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप की बात करें, तो अगर पिछले साल का मैं रिकॉर्ड देखूं, तो IIIT दिल्ली ने IIT दिल्ली को भी पछाड़ दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की प्लेसमेंट्स उनकी गई थी। बाकी और अगर बात हम NSUT DTU की करें, तो ये अभी हमें अजय भाई बताएंगे। अच्छा जैसे देवांश भाई ने बताया CIC के बारे में, तो यार CIC में आपको खुद ही हाथ पांव मारने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब आप लोगों को ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वहीं बात करते हैं DTU NSUT एंड टॉप की IITs एंड NITs, तो इनमें बेसिकली होता क्या है,
यार इनके पास बड़ा तगड़ा प्लेसमेंट सेल होता है, बड़ा तगड़ा एलुमिनाई नेटवर्क होता है, तो इसलिए यार यहाँ पे कंपनीज आती हैं भर भर के, है ना। एंड प्लेसमेंट लेना कंपैरेटिवली इजी होता है, देखो ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल आसान होता है, कंपैरेटिवली प्लेसमेंट लेना आसान होता है क्योंकि कंपनीज ऑन कैंपस आ रही है, ठीक है। जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल आप लोगों को आती है। तो जब आप ऑफ कैंपस जाते हो प्लेसमेंट्स लेने के लिए तो वहाँ क्या होता है, अच्छे से थोड़ा निचोड़ेंगे, अच्छे से पूछेंगे, ऑन कैंपस में भी पूछते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ऑफ कैंपस से। यार काफ़ी मजाक मस्ती हो गई हमारी, लेकिन अगर हम जोक्स अपार्ट सीरियसली इस टॉपिक पे बात करें तो अगर ये डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू, यस जैसे यार मेरा केस था तो लास्ट ईयर यार मैं नॉन डेली आइट था, डेली कोटा मेरा नहीं था, तो मुझे यार जो बेस्ड अपॉन माई रैंक मुझे यार इन तीनों कॉलेजेस में, तीनों तो नहीं मतलब NSUT और IIIT में, NSUT और DTU में मेरे को कोर ब्रांचेस मिल रही थी, बट मेरी प्रेफरेंस उस टाइम जो थी टेक ब्रांचेस की लाइक CSIT और ECE की थी, दैट्स व्हाई आई चोज CIE। अच्छा अब जैसे देवांश ने बताया यार, देखो अच्छा जैसे अब देवांश ने बताया सारी चीज़ें आप लोगों को, नहीं अच्छा देवांश ने जैसे अपने एक्सपीरियंस से बताया सारी चीज़ें आप लोगों को, अब यार देखो सही में ये चीज़ आप लोगों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप लोगों का स्पेशली मतलब CSIT ही परस्यू करनी है एंड आप लोगों का Tier 1 कॉलेजेस में नहीं मिल रही है तो आप लोग यार CIC प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मन है कि यार हाँ मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना है, मेरे को यहाँ भी जाना है, तो मैं बोलूँगा यार एक बेटर कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहे। सो आई होप यार आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यार मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा अजय भाई को यार, जिन्होंने हमारे चैनल पे आके हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा एंटरटेन किया प्लस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार, और भाई मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भाई अजय भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वो मतलब बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं सारी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, उनके चाहे व्लॉग्स हों चाहे उनकी कॉलेज रिव्यू की वीडियोज़ हों, सारी यार बहुत बढ़िया होती हैं। तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनके चैनल का, तो जाके यार उनके चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर सच एन अमेजिंग कंटेंट। और यार अगर टाइम लगे तो यार मेरे यानी कि देवांश गांधी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड करते हैं मेरे स्टाइल में, तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अजय भाई के चैनल यानी कि टेक स्कूल पे हमने यार एक Q&A सेशन रखा था, Q&A या फिर एक डाउट रिजॉल्विंग सेशन रखा था रिगार्डिंग ऑल द क्वेरीज एंड डाउट्स अबाउट द CIC दैट इज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि यार स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंटली आ रहे थे, तो उसे यार हमने बहुत बढ़िया तरीके से उस वीडियो को बनाया है। तो यार मेक श्योर आप उसे ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल